बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट हमीदा। वेलकम टू माय चैनल हमीदा ब्यूटी, हमीदाज ब्यूटी टिप्स। पर आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताती हूं जो आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके बालों को भी अच्छा करेगी, सर से जुएं भी निकालेगी। बच्चों के अक्सर जुएं पड़ जाती हैं, वो स्कूल जाते हैं तो, उसके अलावा भी गर्मी से भी हो जाती हैं, पसीने से हो जाती हैं, तो वो जुएं और लिखों का भी खात्मा करेगी। ये तो आपको मालूम ही है कि नीम कितना फ़ायदेमंद है। नीम ठंडा होता है और हर चीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद है। इसका बीज हो, फल हो, या तेल हो, जड़ हो या छाल हो, कुछ भी, हर चीज़ इसकी बहुत ही फ़ायदेमंद है। नीम के ये पत्ते जरासीम कोश हैं। अगर ये हम अपने बालों में पीस के लेप लगा के रात को सो जाएं तो हमारे सर के जो दाने होते हैं सर में अक्सर हो जाते हैं मुहासों की तरह, वो इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे आपके बालों से, आपके सर से। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उसे नहा, मुख्तलिफ़ किस्म के दाग और चंबल वगैरह जैसी दीगर बीमारियां और ख़ारिश, ये सब नीम से जाती हैं। इसीलिए ज़्यादातर हम चीज़ों में नीम इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जिसके अंदर ये नीम और ये आर्निका ऑयल, ये हर्बल हेयर ऑयल है। ये देखिए, ये हर हकीम की दुकान पर आपको आसानी मिल जाएगा। और ये मैंने नीम कूट कर रखा हुआ है, ये देखिएगा, इसको मैंने कूटा है, कूट के रखा है। अभी मैं ऑयल में मिलाऊंगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक भी आपको मालूम है और लहसुन भी कितना फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए भी, हमारे और दीगर इमराज के लिए भी। आइए मैं आपको बताती हूँ, ये ऑयल मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद ये नीम जो मैंने कूटा था वो सारा मैं इसमें डाल दूंगी। सारा नीम इसमें डाल दिया मैंने। अब उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया मैंने, ये पेस्ट मैं पूरा इसमें डाल दूंगी। ये तकरीबन 2 चमचे के करीब है। अब इसको मैं ढककर, ये देखिए, इसको इस तरह मिक्स करेंगे। ये इसको इस तरह मिक्स करके अब इसे मैं कम से कम 2 हफ्ते तक इसे मैं धूप में रखूंगी। क्यों? कि ये नीम का, अदरक लहसुन का तमाम खासियत इस तेल के अंदर आ जाएगी और फिर इसे हम अपने सर में लगाएंगे तो हमारे सर की जुएं भी ख़त्म हो जाएंगी और बच्चे बासानी लगवा लेंगे। इससे कोई तकलीफ़ उन्हें नहीं होगी, ना ही मिर्चें लगती हैं। किसी भी चीज़ इस्तेमाल करो सर के अंदर, बच्चों के दाने होते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा, आराम से लगवा लेंगे। और बड़ी ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके और वो भी इनसे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकें। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।